अमित शाह ने की हुड्डा और राहुल की बोलती बंद। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूँ, राहुल बाबा को भी कहने आया हूँ, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस। अमित शाह ने मोदी को बताया आरक्षण का सच्चा सेवक। एससी का और ओबीसी का आरक्षण, अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के खर्ची पर्ची सिस्टम की अमित शाह ने उधेड़ी बखिया। भाजपा की सरकार आई, उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अमित शाह गर्जे, बोले वीरभूमि के सैनिकों का कांग्रेस ने किया अपमान, बीजेपी ने दिया सम्मान। 40-40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में, 40-40 साल से जवान मांगते थे कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, और 15 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर हुड्डा के बयानों और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और वहीं कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर दलितों के अपमान का आरोप भी अमित शाह ने लगाया है। अमित शाह ने सिलसिलेवार ढंग से कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया और बताया कि आखिर 5 अक्टूबर को बीजेपी को ही आपको क्यों वोट देना है। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा की जनता को गोहाना और मिर्चपुर कांड की याद दिलाई और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर हुड्डा पर जमकर बरसे हैं, जरा सुनिए। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है, और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। तो आपने अमित शाह को सुना, जिस तरीके से उन्होंने दलित विरोधी होने का आरोप कांग्रेस पर लगाया, लेकिन वहीं आरक्षण के मुद्दे पर फंसे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने हरियाणा की जनता को यह याद दिलाया है कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आरक्षण की रक्षा कोई कर सकता है तो वो एकमात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर अमित शाह ने हरियाणा की जनता को आगाह किया है, जरा सुनिए।
अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हरियाणा तो हमारा, हरियाणा तो पूरा विकसित है, आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण के मुद्दे पर जो बयान दिया उसको लेकर लगातार राहुल गांधी घिरे हुए हैं, लेकिन चूंकि हरियाणा का ये चुनावी माहौल काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, हरियाणा में अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है, तो ऐसे में हरियाणा जो काफी छोटा राज्य है लेकिन वीर भूमि हरियाणा को कहा जाता है, इसका जिक्र भी केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी रैली में किया, अपनी जनसभा में किया और कहा कि हरियाणा का हर 10 में से एक युवा फौज में जाकर देश की सेवा करता है। जहां जवान 40 सालों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तो वो मांग उनकी स्वीकार की ही नहीं, बीजेपी ने ही ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन को लागू किया है। ये बात भी अमित शाह ने हरियाणा की जनता को बताई और किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन और साथ ही अग्निवीर जैसी योजनाओं पर सियासत करने वाली कांग्रेस को जमकर घेरा है, जरा सुनिए। भाइयों बहनों, ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है, इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणा से हर 10वां जवान हरियाणा की माए भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा के लिए, और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजते हैं। भाइयों बहनों, 40-40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में, 40-40 साल से जवान मांगते थे कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, और 15 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का था, और आज इसका तीसरा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार वन रैंक वन पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, बड़ी चिंता की बात है, हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं, और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? ये तो हरियाणा है, यहां से नौनिहालों ने अपना खून देश की रक्षा के लिए बहाया है। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर कश्मीर में कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे, हम सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मुझे बताओ टोहाना वालों, धारा 370 वापिस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए क्या? आतंकवादियों को छोड़ना चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापिस नहीं आए। ये इतिहास बन चुका है, आपके समय में, आपके नाना के समय में धारा 370 ने
कश्मीर पर सवालिया निशान लगाया था, नरेंद्र मोदी जी ने वो सवालिया निशान हटाने का काम किया है, अब वो वापिस नहीं आ सकता है। तो फतेहाबाद में अमित शाह ने इस जनसभा को संबोधित किया और वहां पर चाहे राहुल गांधी की रैली में लगने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हो, चाहे वो राहुल गांधी का अमेरिका में जाकर सिखों का अपमान करना हो, चाहे आरक्षण के विरोध में बयान देना हो, चाहे पाकिस्तान परस्त लोगों से प्रेम भाव दिखाना हो, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इसी के साथ जब बात नौकरी देने की आई युवाओं को, तो इस पर भी अमित शाह ने हरियाणा के युवाओं के सामने वो आंकड़े रख दिए और बताया कि किस तरीके से वो बात करते हैं कि युवाओं को लाखों नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां कैसे देंगे, क्या खर्ची पर्ची के साथ ही नौकरियां मिलेगी। लेकिन अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने हजारों युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया है। ये बात कहते हुए उन्होंने किस तरीके से हुड्डा सरकार जो कांग्रेस की पहले रही है हरियाणा में, और साथ ही राहुल गांधी पर वो हमलावर नजर आए, किस तरीके से खर्ची पर्ची सिस्टम को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, जरा सुनिए। भाइयों बहनों, मैं आज एक बड़े जलसे में पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया है, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम। तो कुल मिलाकर 5 अक्टूबर वो तारीख है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले रैलियों का रैला लगातार चल रहा है। अमित शाह से लेकर चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष में राहुल गांधी से लेकर तमाम अन्य नेताओं की बात की जाए, लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेर रही है, और लगातार बीजेपी का दावा यही है कि वो चुनाव जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है, क्योंकि जितना कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों को और खासतौर पर हरियाणा के लोगों को ठगा है, उससे जाहिर तौर पर हरियाणा की जनता आज तक त्रस्त है। तो ऐसे में उन्होंने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही जिताएंगे। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में 5 अक्टूबर को जब मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।